हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ई पाठशाला में। सी जी पी एस सी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज के वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो मैंने आपको एक PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया था जनवरी से लेकर के जून माह तक का, उसका जो नेक्स्ट सीरीज है यानी जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक का, ये नोट्स आपको अवेलेबल होगा अगले महीने 7 जनवरी 2020 को। आपका छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है यानी जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक का, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक का, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा इंस्टा बोजे पर अगले महीने 7 जनवरी को। साथ ही साथ जो हमारा मैंने आपको कहा था, जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो सीरीज है वो आपका कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, उसका एक अपडेशन वीडियो आने वाला है, वो वीडियो आएगा आपका 15 दिसंबर को। जिस किसी ने भी PDF लिया है या जिन्होंने वीडियो देख करके खुद का नोट्स बनाया है, सभी के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। कुछ नए डाटा उसमें ऐड करना है, कुछ डाटा उसमें करेक्ट नहीं कराने हैं, कुछ नए डाटा उसमें ऐड ऑन करना है। अगर हो सके कि प्रश्न उससे आता है तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, ठीक। तो कुछ नए डाटा ऐड ऑन कराना है तो 15 दिसंबर को जो आपका अपडेशन वाला वीडियो आएगा उसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो हमारा छत्तीसगढ़ करें जो हमारा CGPSC का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, जो हमारा CGPSC पाठशाला का जो हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, उसके जो ऑलरेडी जो पेपर हो चुके हैं ओल्ड पेपर्स, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, जो इंडिविजुअल 1-2 पेपर सेलेक्ट करके जो परचेस करना चाहते हैं, तो ये आपको अवेलेबल होगा इंस्टा मोजे पर 15 दिसंबर के दिन ही। आप लोगों को टेलीग्राम और फेसबुक के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर को एक साथ सारे पेपर अपलोड नहीं करेंगे, धीरे धीरे डेट वाइज किस किस डेट में कौन कौन से पेपर अपलोड कर रहे हैं आपको टेलीग्राम और फेसबुक के थ्रू आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो जो टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी जो पेपर हो चुके हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, जो इंडिविजुअल 1-2 पेपर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे 15 दिसंबर से इंस्टा मोजे पर। इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फेसबुक और टेलीग्राम के थ्रू, ठीक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष, अभी हमारे प्रदेश में जो वर्तमान की जो विधानसभा है वो है आपकी 5वीं विधानसभा, ठीक। वर्तमान की विधानसभा कौन सी है, आपके 5वें नंबर की विधानसभा है। इस 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष है आपके मनोज मंडावी, जो कि आपके भानुप्रतापपुर क्षेत्र से आते हैं, भानुप्रतापपुर क्षेत्र से चुने गए ये विधायक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रदेश के 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, मनोज मंडावी या मनोज सिंह मंडावी, जो कि भानुप्रतापपुर क्षेत्र से आते हैं, ठीक। अब इसके साथ साथ ये तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है करके, इसके साथ साथ आपसे ये भी प्रश्न आपसे मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी मिलान में भी आपसे पूछ सकता है। जो आपके पहले की जो विधानसभा है, प्रथम विधानसभा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी, ऐसे करके विधानसभा की सूची दे देगा और उनके उपाध्यक्षों की सूची को आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो देख लीजिए कि अब तक हमारे प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं। देखिए, जो पहली विधानसभा है, पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे आपके बनवारी लाल अग्रवाल। पहली विधानसभा में आपके 2 उपाध्यक्ष रहे थे, कारण क्या था पता नहीं, लेकिन कुछ अवधि के लिए बीच में आपके धर्मजीत सिंह भी आए थे। देखिए, बनवारी लाल अग्रवाल जिनका जो कार्यकाल है वो है आपका 2001 से लेकर 2003 तक का, और इसके बाद फिर पहली ही विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके धर्मजीत सिंह, जो कि 2003 में कुछ महीनों के लिए बने थे, ठीक। सेकेंड नंबर पर है आपका बद्रीधर दीवान, जिनका कार्यकाल था आपका 2005 से लेकर के 2008 तक का। तीसरी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे आपका नारायण चंदेल, जिनका कार्यकाल था 2010 से लेकर के 2013 तक का। चौथी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे बद्रीधर दीवान। देखिए, बद्रीधर दीवान दो बार बन चुके हैं, एक तो दूसरी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में। चौथी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे आपके बद्रीधर दीवान, जिनका कार्यकाल रहा 2015 से लेकर 2018 तक का। और 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष बने आपके मनोज मंडावी या मनोज सिंह मंडावी, जिनका कार्यकाल 2019 के बाद से अभी निरंतर है, ठीक, समझिएगा। देखिए, आप कुछ बुक फॉलो कर रहे होंगे, उसमें जो कार्यकाल, देखिए कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ बुक क्या, आपको बुक का नाम भी बता दे रहा हूँ, हरिराम पटेल सर की यदि आप बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें कार्यकाल कंटिन्यू सीरीज में दिया है, 2001 से लेकर के 2003, 2003 से लेकर 2008, 2008 से लेकर 2013, 2013 से लेकर 2018 और 2018 से 2019 से निरंतर, ऐसे करके उसमें सीरीज में दिया हुआ, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के सर्च करेंगे तो आपको ये डेट मिल जाएगा, ठीक।
आप इंटरनेट में सर्च कीजिएगा सीजी विधानसभा करके, जैसे ही आप उसका ऑफिशियल पेज में जाएंगे तो ऊपर में ही आपको उसके हेडर में दिख जाएगा, जहां पे आपका राज्यपालों की सूची, अब तक रहे राज्यपालों की सूची, अब तक रहे मुख्यमंत्री की सूची, अध्यक्षों की सूची, उपाध्यक्षों की सूची और उनके इस कार्यकाल का डेट, ये मिल जाएगा। तो कोई भी हरिराम पटेल सर की बुक को लेकर के नीचे कमेंट मत कीजिएगा कि ये कार्यकाल का डेट गलत है, ऑथेंटिक सोर्स बता दे रहा हूँ, सीजी विधानसभा करके टाइप कीजिए गूगल में, मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम। देखिए छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम, ये जो आपका रणजी जो आपका एक क्रिकेट कप है, ये होने वाला है 2019 में, समझिएगा। ये जो आपका रणजी क्रिकेट कप है छत्तीसगढ़ का, ये जो आपका जो रणजी क्रिकेट कप है, सॉरी यहाँ रणजी क्रिकेट टीम होगा, ठीक यहाँ टीम कर लीजिएगा, जो आपका जो ये जो रणजी क्रिकेट कप है, ये बीसीसीआई के द्वारा आयोजित देश का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट कप होता है। जो रणजी क्रिकेट कप है ये बीसीसीआई के द्वारा आयोजित हमारे देश का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट ये मैच होता है, समझिएगा। ये जो है आपका रणजी, जो आपका छत्तीसगढ़ से इस रणजी क्रिकेट कप के लिए हमारे प्रदेश की टीम उतरने वाली है, जिसके कप्तान होंगे आपका हरप्रीत सिंह भाटिया के साथ कुल 18 सदस्यों की टीम इस रणजी क्रिकेट कप के चुनी गई है, समझिएगा। कप्तान कौन है? हरप्रीत सिंह भाटिया। छत्तीसगढ़ को 5 मैचों की मेजबानी सौंपी गई है, यानी हमारे प्रदेश में इस रणजी क्रिकेट का जो सीरीज है इसके 5 मैच हमारे प्रदेश में होंगे, ठीक। 5 मैचों की मेजबानी हमारे प्रदेश को यानी छत्तीसगढ़ को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ का जो पहला मैच है वो आपका छत्तीसगढ़ का उड़ीसा के साथ होने वाला है, कब होगा? 9 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ का उड़ीसा के साथ पहला रणजी क्रिकेट मैच कब होगा? 9 दिसंबर को, ठीक। कहां पर होगा? वीर नारायण सिंह स्टेडियम, यानी हमारे छत्तीसगढ़ के जो रायपुर में जो आपका शहीद वीर नारायण सिंह जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पर ये मैच खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए पीएससी में यदि प्रश्न पूछना हुआ क्या, पीएससी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका है, जिस साल आपका रणजी क्रिकेट टीम होता है तो उस साल पूछता है कि इस साल होने वाले रणजी क्रिकेट टीम में छत्तीसगढ़ के कप्तान कौन है। एक समय जब प्रश्न पूछा था तो उस समय मोहम्मद कैफ थे कप्तान, लेकिन अभी वर्तमान में भी अगर ये प्रश्न रिपीट होता तो याद रखिएगा, अभी इस साल होने वाले आपके रणजी क्रिकेट टीम में जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कप्तान है वो है आपके हरप्रीत सिंह भाटिया। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। इसके अलावा व्यापम अगर प्रश्न पूछता है तो व्यापम इसमें कथन वाले प्रश्न पूछता है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछता है, जैसे जो इस साल हुए जो रणजी क्रिकेट टीम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, आपको दे देगा कि रणजी जो आपके क्रिकेट जो प्रदेश की जो रणजी क्रिकेट टीम थी उसकी कप्तानी जो है वो हरप्रीत सिंह भाटिया कर रहे थे, प्रदेश को आपका 5 मैचों की मेजबानी सौंपी गई थी। इसके अलावा पहला मैच 9 दिसंबर को, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि पहला मैच जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य खेला गया, या फिर उसमें एक ऑप्शन और दे देगा कि जो पहला मैच है वो आपका वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। ऐसे क्या है, 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट वो गलत कर देगा और पूछ देगा निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है, सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। कप्तान कौन है? हरप्रीत सिंह भाटिया। पहला मैच होने वाला 9 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में, साथ ही साथ पहला मैच होगा आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य खेला जाएगा, ठीक। प्रदेश को 5 मैचों की मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट कुछ नियुक्ति से प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके जुबिन शाह को। जुबिन शाह से पहले थे आपके प्रभदेश सिंह भाटिया, आप सभी को मालूम होगा, जो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है आपके सौरभ गांगुली, उनके साथ साथ 9 सदस्यों की एक काउंसलर की एक टीम भी नियुक्त की गई है। तो उसमें जो काउंसलर की जो टीम है उसमें हमारे प्रदेश के जो प्रभदेश सिंह भाटिया, यानी पूर्व जो आपके छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे, उन्हें भी उसके लिए चुना गया काउंसलरों की टीम में। तो प्रभदेश सिंह भाटिया के बाद अब प्रदेश के जो नए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं वो है आपके जुबिन शाह, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्य आयकर आयुक्त। प्रदेश के मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं आपका राजकुमार लक्ष्मी राम का, पूरा नाम है इनका राजकुमार लक्ष्मी राम का, प्रदेश के नए मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं आपके सुबोध सिंह को, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट है आपका मनरेगा से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है, तो उसे कुछ आंकड़े हैं, प्री के दृष्टिकोण से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में आपको आंसर राइटिंग में ये आंकड़े थोड़े काम आ सकते हैं। देखिए देश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
मनरेगा के अंतर्गत देश में जो पंजीकृत श्रमिकों की संख्या है वो है आपके लगभग 34 लाख। मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या है लगभग 34 लाख। ठीक, देखिए अगर हम पंजीकृत श्रमिकों की संख्या की यदि हम बात करें, देखिए आपको ये आंकड़े बहुत कम लग रहे होंगे, हमारे जो अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया के हिसाब से जो आंकड़े हैं ये कम लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, मनरेगा के अंतर्गत एक परिवार का एक जॉब कार्ड बनता है। ये जो संख्या है ये जॉब कार्ड की संख्या है। ठीक, एक परिवार में कितने भी सदस्य हो उस जॉब कार्ड में उस सदस्य के जितने भी उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्यों की उसके नाम की एंट्री की जाती है। 100 दिन का कंफर्म रोजगार दिया जाता है, यदि प्रदेश सरकार चाहे तो एक्स्ट्रा रोजगार दिवस दे सकती है, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। ठीक, तो जो आपका जॉब कार्ड दिया जाता है तो जो 100 दिन का जो निश्चित रोजगार है उसमें परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी एक सदस्य जाकर के काम कर सकता है, कोई भी एक सदस्य जाके काम कर सकता है, ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे परिवार जाके कार्य करते हैं। एक जॉब कार्ड में एक दिन में परिवार का कोई भी एक सदस्य जाकर के वहां पे कार्य कर सकता है और अपनी मजदूरी ले सकता है। तो ये जो संख्या है ये जॉब कार्डों की संख्या है, लेकिन इसे कहा जाएगा आपका पंजीकृत श्रमिकों की संख्या, इसलिए आपको ये डाटा कम लग रहा है। ठीक, तो देखिए हमारे देश में जो पंजीकृत श्रमिकों की संख्या है वो है लगभग आपका 34 लाख। ठीक, अब यदि हम पंजीकृत श्रमिकों की संख्या की बात करें तो जो हरियाणा है पहले स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पर है हरियाणा, जहां पे सर्वाधिक सबसे अधिक पंजीकृत श्रमिक है मनरेगा के अंतर्गत 6.17 लाख, 6.17 लाख श्रमिक पंजीकृत है। सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र जहां पे 5.73 लाख 5.73 लाख पंजीकृत श्रमिक है। ठीक, थर्ड पोजीशन पर है आपका उत्तर प्रदेश जहां पे 5.47 लाख यानी 5.47 लाख श्रमिक पंजीकृत है। तो सर्वाधिक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर पहले नंबर पर है हरियाणा, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ इस क्रम में है आपके 8वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ में 1,25,381 पंजीकृत श्रमिक है इस मनरेगा के अंतर्गत। ठीक, आंकड़े याद रखिएगा। तो ये पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर हमारे जो देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है आपका 8वां। नेक्स्ट है मजदूरी दर के आधार पर कहाँ पे सर्वाधिक भुगतान किया जाता है उसका भी एक क्रम देख लीजिए। सर्वाधिक भुगतान किया जाता है आपके हरियाणा राज्य में, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को सर्वाधिक भुगतान किया जाता है हरियाणा में, वहाँ पर आपका 281 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। सेकंड नंबर पर है गोवा जहाँ पे 254 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है, और तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार जहाँ पे 250 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। ठीक, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 174 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को। यदि हम दिव्यांगों को रोजगार की बात करें तो देखिए दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो देश में आपके 6वें स्थान पर है। दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो देश में 6वें स्थान पर है। दिव्यांग रोजगार समझिएगा, वित्तीय वर्ष 2019-20 जिसका काउंटिंग स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से लेकर के नवंबर 2019 तक, यानी इस 8 माह की अवधि में, अभी ये वित्तीय वर्ष पूरा हुआ नहीं है, अभी देखिए अप्रैल से लेकर के आपके नवंबर माह तक यानी इस 8 माह की अवधि में ये जो दिव्यांगों को जो रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है, इस 8 माह की अवधि में जो इस मनरेगा के अंतर्गत 22,966 दिव्यांगों को रोजगार दिया गया इस मनरेगा के अंतर्गत। ठीक, यदि हम ये दिव्यांग रोजगार में कितना है आपका 22,966 यदि हम देखें तो सर्वाधिक दिया गया है आपके राजनांदगांव में, यानी सर्वाधिक जो आपका पंजीकृत मजदूर बोलिए या दिव्यांग पंजीकृत मजदूर बोलिए या दिव्यांग बोलिए वो मौजूद है आपके राजनांदगांव में। वहाँ पे कितने हैं आपके 4,411 यानी 4411। सेकेंड नंबर पर है कबीरधाम जहाँ पर मौजूद है आपके 2,603, और तीसरे नंबर पर सुकमा जहां पर है आपके 1,937।
तो सर्वाधिक जो आपके दिव्यांगों को रोजगार दिया गया मनरेगा के अंतर्गत वो है आपके राजनांदगांव जिला में, जहां पर 4411 दिव्यांग मजदूरों को रोजगार दिया गया। सबसे कम दिया गया आपके नारायणपुर में, मात्र 64 दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया गया। अगर हम ये दिव्यांग की बात करें, दिव्यांगों को रोजगार की बात करें, तो इन दिव्यांगों के लिए सृजित रोजगार दिवस रहा आपका 5,03,208। दिव्यांगों के लिए, देखिए ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल दिव्यांगों के लिए सृजित रोजगार दिवस रहा इस 8 महीने की अवधि पर 5,03,208। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब कुछ मिसलेनियस है, इसे समझिएगा। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, इसको मंजूरी मिल गई है हमारे कैबिनेट के द्वारा, प्रदेश कैबिनेट के द्वारा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय खोले जाने के जो ऑलरेडी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो इसके लिए जो जगह अलॉट किया गया है वो है आपका सांकरा पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला। देखिए पेपर में आप पढ़े होंगे कि रायपुर के समीप का मतलब ये नहीं कि रायपुर में खुल रहा है, एक्चुअली जो पाटन है ये दुर्ग और रायपुर के बॉर्डर में है। यदि आप देखेंगे तो ये जो पाटन ब्लॉक है ये आपके दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा जो आपका महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए जो जगह अलॉट किया गया है वो है आपका सांकरा पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला। ठीक, नेक्स्ट है आपका बेल वाटर अभियान। देखिए बेल वाटर अभियान क्या है कि जो आपके बच्चों को आपका स्वस्थ रखने के लिए, उन्हें सुपोषित रखने के लिए आपके पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें समय समय पर भरपूर मात्रा में पानी पीने की भी जरूरत होती है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, उन कारणों में से एक है आपका पानी। अगर सफिशिएंट मात्रा में पानी अगर कोई व्यक्ति पीता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इसी के लिए चालू किया गया है आपका बेल वाटर अभियान, बच्चों को सुपोषित रखने के लिए या उन्हें स्वस्थ रखने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। कहाँ चालू किया गया है? कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय कोंडागांव में, कोंडागांव जिला का जो आवासीय विश्वविद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय, यहाँ पे ये अभियान चालू किया गया है। जिस प्रकार से क्लास के टाइम पीरियड के दौरान बीच में आपका लंच ब्रेक दिया जाता है, उसी प्रकार से इस क्लास के जो टाइम पीरियड रहेगा उसके बीच में आपका वाटर ब्रेक दिया जाएगा, यानी पानी पीने के लिए उन्हें ब्रेक दिया जाएगा। बेल बजा करके एक क्लास के टाइम पीरियड के दौरान, यानी पूरे के पूरे समझ लीजिए जैसे आपका 5 या 6 घंटे का उनका क्लास टाइम रहता है, यानी पूरे स्कूल की उनकी टाइमिंग रहती है, तो उस 5 से 6 घंटे के ड्यूरेशन में, 4 से 5 घंटे के ड्यूरेशन में 3 बार बेल बजा करके उन्हें कुछ मिनटों का समय दिया जाएगा पानी पीने के लिए। ठीक, बच्चों को पोषित रखने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। कहां पर? कोंडागांव जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दीपेश सिन्हा, जिनका संबंध है आपका वॉलीबॉल से। इन्होंने हाल फिलहाल में दक्षिण एशिया टूर्नामेंट नेपाल में, देखिए हमारे देश की जो सीनियर वॉलीबॉल की जो टीम है उसमें आपके दीपेश सिन्हा भी शामिल है। भारत की जो आपकी सीनियर वॉलीबॉल की जो टीम है उसमें हमारे प्रदेश के दीपेश सिन्हा भी उस टीम में आपके है, और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में आपके नेपाल में आयोजित दक्षिण एशिया टूर्नामेंट को जीत करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, साथ ही साथ ये जो दीपेश सिन्हा है, यानी जो हमारी भारत की जो सीनियर वॉलीबॉल की जो टीम है, वो 2020 में टोक्यो में जो आपके ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन होने वाला है उस गेम्स में क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है। देखिए ओलंपिक गेम्स से भाग नहीं मिलेगी, ओलंपिक गेम्स में भाग लेने से पहले उसे क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपके हमारे भारत की जो आपकी सीनियर वॉलीबॉल की जो टीम है उसमें हमारे प्रदेश के दीपेश सिन्हा भी मौजूद है। तो ये जो टीम है टोक्यो 2020 में होने वाली, ठीक है, 2020 में टोक्यो में होने वाली जो आपकी ओलंपिक गेम्स है उसके क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में ये भाग लेने वाले हैं। इनका नाम याद रखिएगा, दीपेश सिन्हा, जिनका संबंध किससे है? वॉलीबॉल से। नेक्स्ट देखिए कुछ चर्चित स्थान है जिसे मैं डायग्राम के थ्रू बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्री के दृष्टिकोण से भी है, मेंस के दृष्टिकोण से भी है, लेकिन इसे बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैप के थ्रू मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा जो बस्तर संभाग है इस अभी 5-6 दिन से काफ़ी चर्चा में रहा है, तो समझिएगा बस्तर संभाग का ये जो है आपका यहाँ मौजूद है आपका
कडेनार नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिले का ये जो कडेनार है ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा, यहाँ पर हुआ है आपका आईटीबीपी गोलीकांड। आईटीबीपी गोलीकांड देखिए आईटीबीपी क्या है, जैसे कि आप जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स रहती है जैसे बीएसएफ आपका सीआरपीएफ, वैसे ही एक है आपका आईटीबीपी जिसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक, तो ये जो है इन्हीं जो फोर्स के जो आपके सिपाही है उनके मध्य कुछ आपसी कुछ उनके झगड़े हो गए जिनके कारण सिपाहियों में आपस में ही गोलीबारी हुई। किसी एक सिपाही ने गोली चला करके अपने ही साथियों को गोली मार दी और लगभग 6 लोगों की इसमें मौत हो गई, यानी वे शहीद हो गए। ठीक, तो ये आपसे प्री में ये हत्याकांड के बारे में नहीं पूछेगा। हत्याकांड के बारे में अगर आपसे पूछना हुआ तो आपके इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईटीपी जो गोलीकांड है वो कहाँ पर हुआ, किस जिले से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है। लेकिन अगर प्री में पूछना हुआ तो आपसे पूछेगा ये कडेनार जगह किस जिले में मौजूद है, तो नारायणपुर जिले में मौजूद है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा घटनाक्रम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सारकेगुड़ा बीजापुर। देखिए सारकेगुड़ा बीजापुर अभी ये भी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा, एक्चुअली में यहाँ पर आपका 28 जून 2012 का घटनाक्रम है। 28 जून 2012 को यहाँ पर एक गोलीकांड हुआ था जहाँ पर जो हमारे जो आपके सीआरपीएफ के जवान और आपका कोबरा बटालियन इसके जवानों ने जा करके एक गाँव में गोलीबारी की। वहाँ पर नक्सलाइट होने का शुरू में दावा किया गया था कि गोलीबारी में जो लोग मरे हैं वे सारे के सारे नक्सलाइट थे, लेकिन हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट लीक हुआ है। विधानसभा में प्रस्तुत होने से पहले ही वो रिपोर्ट लीक हो गया जिसमें ये सामने आया कि जो 17 लोगों की जो इसमें मृत्यु हुई थी वे नक्सलाइट नहीं, वे ग्रामीण थे। और ये 17 लोगों में आपके 8 जो थे वो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे जिन्हें नक्सलाइट बता करके मार दिया गया। ठीक, तो ये रिपोर्ट लीक हुआ है तो आपसे या तो इंटरव्यू में पूछ सकता है या फिर आपके सारकेगुड़ा जगह पूछ सकते हैं कि सारकेगुड़ा आपका किस जिले में मौजूद है, तो बीजापुर में मौजूद है। थोड़ा सा इसका स्टोरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बुरुंगपाल बस्तर जिले का बुरुंगपाल। आप सभी को मालूम है कि अभी जो आपका नवंबर है 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक, तो उस समय यह थोड़ा न्यूज में रहा, इसे समझिएगा कि जो बुरुंगपाल है यहाँ मौजूद है आपका संविधान का मंदिर। देश का एक लौता संविधान का मंदिर मौजूद है हमारे बस्तर जिले के इस बुरुंगपाल ग्राम में, जिसे स्थानीय लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में उस मंदिर को बोलते हैं गुड़ी। ठीक, इसमें ये एक्चुअली में जो मंदिर है यहाँ पे मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे एक पत्थर रखाया हुआ है जिसमें संविधान के 5वें अनुसूची को उसमें लिखा गया है। तो जो स्थानीय ग्रामीण है उसी 5वें अनुसूची जो पत्थर में लिखे हुए जो 5वें अनुसूची है, देखिए जो 5वां अनुसूची है वो आपके इसी जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो इसी जो आपके 5वें अनुसूची जो पत्थर में लिखे हुए जो 5वें अनुसूची है उसी की जो ग्रामीण है पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जो संविधान का मंदिर है जिसे स्थानीय भाषा में गुड़ी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 6 अक्टूबर 1992 को। ठीक, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हो सकता है कभी भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है, जगह का नाम याद रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है आपका इंजराम ग्राम सुकमा। सुकमा जिला के कोंटा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम आता है इंज ग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा इंजराम ग्राम। देखिए यहां क्या है, राम देखिए ये जो जगह है यहाँ, ये आपका रामायणकालीन एक स्थल है। यहाँ पर भगवान राम से सब भगवान यानी रामायणकालीन आपके बहुत सारे जो मूर्तियाँ हैं वो आपके यत्र तत्र इधर उधर पड़े हुए हैं। ठीक, भगवान राम के समय के यानी रामायणकालीन जो आपके मूर्तियाँ हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भगवान राम के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। ठीक, इस स्थल को संरक्षित किया जाना काफ़ी ज़रूरी था लेकिन ये स्थल अभी तक संरक्षित नहीं हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में ये फिर से चर्चा में तब आया। देखिए ऐसे में तो वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे मूर्तियाँ ऐसी ही बिखरी पड़ी हुई है, भगवान राम के पद चिन्ह है वो ऐसे ही बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपका अयोध्या मंदिर का जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद जो राम वनगमन पथ है, ठीक है राम वनगमन जो पथ है उस पर जो हमारे प्रदेश सरकार उसको डेवलप करने के लिए भी अभी चर्चा कर रही है, 51 स्थलों को चुना गया है उसमें ये शामिल है कि नहीं मैं अभी इसके लिए आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा जो आपका आंध्र प्रदेश में बनने वाला जो आपका पोलावरम जो डैम है पोलावरम बांध है उसमें हमारे प्रदेश के 18 गाँव डूब सकते हैं। ठीक, ये दावा किया जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश के द्वारा जो पोलावरम डैम बनाया जाएगा उसमें हमारे प्रदेश के 18 गाँव डूब सकते हैं, तो उन 18 ग्रामों में ये जो आपके जो इंजराम ग्राम है, इंजराम ग्राम ये ग्राम भी आपका डूब जाएगा।
ठीक। तो पोलावरम जो आपका बांध से संबंधित डिसीजन अभी काफ़ी फिर से चर्चा में आया था, तो चर्चा में आने के बाद साथ ही साथ अयोध्या मंदिर से का जो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय आया, उसके अलावा जो हमारी प्रदेश सरकार जो आपके राम वनगमन स्थलों को जो डेवलप कर रही है, इन सारे चीज़ों के कारण ये जो आपका जगह है ये हाईलाइट में आया है। ये रामायणकालीन स्थल है जहाँ पे भगवान राम के कुछ साक्ष्य मौजूद है, कुछ मूर्तियाँ मौजूद है, जहाँ पे भगवान राम के पदचिन्ह है। ऐसा स्थानीय स्तर पर एक आपकी कहानी वहाँ पे प्रचलित है कि भगवान राम यहाँ आकर के शिव जी का एक मूर्ति बना करके महाकाल को उन्होंने प्रसन्न किया था। ठीक, तो बस इस जगह का नाम याद रखिएगा, इंज राम ग्राम जो कि रामायणकालीन स्थल है, कहाँ मौजूद है आपके सुकमा जिले में। ठीक, तो जितने भी टॉपिक है हमने कवर कर लिया है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ 15 दिसंबर का वीडियो जरूर देखिएगा।